हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से हम भैया से बात करते हैं, और जैसा कि आज बजट पेश हुआ है तो उसके बारे में और थोड़ा हम जानकारी इनसे लेते हैं। तो चलिए, और दो वीडियो और हम लोग डाल चुके हैं, तो अगर वो आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो उस वीडियो को भी। और आगे की जानकारी हम भैया से और लेते हैं, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। मौका दूंगा बजट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-2022 एज इंट्रोडक्शन। ऑनरेबल स्पीकर, द प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट वॉज अंडरटेकन इन सर्कमस्टेंसेस लाइक नेवर बिफोर। वी न्यू ऑफ कैलामिटीज दैट हैव अफेक्टेड अ कंट्री और अ रीजन विद इन अ कंट्री। But what we have endured with COVID-19 through 2020 is due to be generous. नमस्कार। अभी 2021 और 22 वर्ष के लिए यूनियन बजट भारत सरकार का पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, और निर्मला सीतारमण का ये कहना कि जिन परिस्थितियों में इस बजट को तैयार किया गया वो परिस्थितियां पहले कभी नहीं थी। इसका मतलब कि जितना चैलेंज था इस यूनियन बजट को तैयार करने में, इतने चैलेंजेस पहले कभी भी नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि बजट पेश होने से पहले जब आप और हम या चाय की दुकान पे चर्चा होती थी, सोशल मीडिया पे चर्चा होती थी, आखिर बजट में आएगा क्या, सरकार का खजाना खाली है कोरोना के महामारी की वजह से, जो एक साल लगातार अर्थव्यवस्था पे जो मार पड़ी है, खास करके लॉकडाउन के पीरियड में तमाम जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी था वो धराशायी हो गया, जहां पे जीएसटी कलेक्शन सिकुड़ गया, इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है वो घटता चला गया, तमाम तरह के जो और टैक्स थे वो सिकुड़ते चले गए थे, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, प्रोडक्शन नहीं था, व्यापार बंद था, तो ऐसे में जब पैसा जुटा पाना ही एक बड़ी चुनौती थी इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चलाने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो बजट पेश किया गया है वो वाकई बहुत तारीफ के काबिल है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो ईमानदारी से आप इस चीज को जरूर पाएंगे कि बहुत कड़ी मेहनत की गई है बजट पेश करने के लिए, बजट बनाने के लिए, और बजट जिस रूप में पेश किया गया है तो ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें कर दी गई है, ऑन पेपर पैसों का लेन देन दिखा दिया गया है, ट्रांसफर्स दिखा दिए गए हैं और वो एक्चुअल में होगा, ऐसा तो होना नहीं है। देश तो चलना है और बजट के हिसाब से ही चलना है, तो ये पैसा भी आएगा, तो सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपको नजर आएगी इस बजट के पीछे। तो गौर से की पॉइंट्स को आप डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हैं, और बाकी थोड़ी बहुत चर्चा कुछ बड़े पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर के लिए जो प्रावधान किया गया, जो पिछले वीडियो में उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, तो हेल्थ सेक्टर में क्या है, बेसिकली ये जो बजट है, यानी आप मान के चलिए कि साल 21 और 22 जो है ये भारत में स्वास्थ्य सुधारों का साल होने वाला है, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़े चेंजेस होंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किस तरह से परेशानी आई लोगों के सामने। हर तरह से जहां पे जब कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो बाकी तमाम तरह के ट्रीटमेंट बंद कर दिए गए कई जगह पे जो ओपीडी की सेवाएं थी उसको बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास वो बुनियादी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो तमाम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास अवेलेबल थे उन सबको ज्वाइन करके और कन्वर्ट कर दिया गया कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस दिशा में अब काम करना पड़ेगा जहां पे इस तरह की पेंडेमिक्स के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, और उसके लिए एक विस्तृत बजट का प्रावधान किया गया है जो 94,000
जो हेल्थ बजट हमारा पिछले साल जो 19-20 या 20-21 के लिए, सॉरी 20-21 के लिए जो बजट हमारा हेल्थ सेक्टर का 94,000 करोड़ का था, उसमें विस्तार दिया गया है और उसको 137% 137% का उसको विस्तार देते हुए और उस बजट को 2,33,000 करोड़ के पार लेके सरकार चली गई है। तो इसका बुनियादी मतलब ही यही है कि पूरा जो ध्यान है सरकार का वो स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने पे। अच्छा, दूसरी चीज है, आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, खास करके मोदी सरकार के आने के बाद से ये एक ट्रेंड सेट हुआ है कि डिफेंस बजट को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो आधुनिकीकरण के दौर में पिछड़ गई है। उनके उनके जो इक्विपमेंट्स है, जो यूनिफॉर्म्स है या तमाम तरह की जो चीजों जिन चीजों की उनको जरूरत होती है, तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो उसको अपडेट करने की, अप टू डेट करने की जरूरत है। दुनिया के तमाम सक्षम सेनाओं के बराबरी में ला करके टेक्नोलॉजी के आधार पे खड़ा करने की जरूरत है। तो उसके लिए बजट को विस्तार देना पड़ेगा और वो बजट भी लगातार पिछले 2-3 साल से बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बड़ा विस्तार हर साल होता है। तो अभी पिछले साल करीब 3.5 लाख करोड़ का बजट था डिफेंस का, उसको बढ़ा के इस साल 4,78,000 करोड़ का, यानी पौने 5 लाख करोड़ का करीब करीब कर दिया गया, जो अपने आप में जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनको काफी मजबूती प्रदान करेगा। मील का पत्थर साबित होगा ये इतना विस्तार सशस्त्र सेनाओं के लिए जो डिफेंस बजट। उसके बाद कुछ जो सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और BSNL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या इस तरह की जो कंपनियां जो सरकारी उपक्रम में काम कर रही है और जो लगातार घाटे में चलती जा रही हैं, तो उनको, हाँ, उसमें रेलवे का भी नाम आप ले सकते हैं, हालांकि कुछ घाटे में है, कुछ घाटे में नहीं भी जा रही है, दोनों तरह की कंपनियां हैं। तो दोनों के पीछे सरकार का अपना दलील है कि इनमें अगर निवेश प्राइवेट किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है, और जो कंपनियां लाभ में भी चल रही है उनको उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसके पीछे भी सरकार की अपनी दलील है। तो इसलिए इसको इतने आसानी से ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया ऑन सेल हो रहा है, मोदी सरकार जो है देश बेचने में लगी है। देश कहाँ बिक रहा है, देश कौन बेच रहा है? तो ये सब गलत धारणाएं हैं जो समय के साथ डेवलप की जा रही है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, इस बजट में आप एक सोचिएगा ईमानदारी से कि क्या इस बजट में एक सिंगल पॉइंट भी अच्छा नहीं था? क्या इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं सबने इस बजट का क्लेरिफिकेशन ये रखा है कि ये देश को धोखा देने वाला बजट है, इंडिया ऑन सेल चल रहा है, किसान विरोधी बजट है, देशद्रोही बजट है। मतलब डिक्शनरी से भ्रष्ट शब्दों का चुनाव करके और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह का बजट है, मोदी सरकार देश बेचने में लगी है। तो खैर, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें ये जो राजनीतिक टीका टिप्पणी है सिर्फ उसी पे डिस्कशन को सीमित रखेंगे, इसमें जो है हम लोग बजट को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ वो जो कंपनियां हैं उनको सरकार प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और उसके पीछे एक विजन काम कर रहा है और ये सरकार का लॉन्ग टर्म विजन है। ऐसा नहीं है कि ये विजन सिर्फ इंडिया में चल रहा है, ये विजन रशिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इन तमाम जो डेवलप कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में लंबे समय से चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं भारत की जो ये सरकार है ये लॉन्ग टर्म एजेंडा लेकर के चल रही है कि उसी एजेंडे पे हम लोगों को चलते हुए प्राइवेटाइजेशन को आधार मान करके और देश में रोजगार का सृजन और तमाम तरह की सुविधाएं, सर्विसेज, खास करके जो सर्विस सेक्टर हमारा है उसको प्राइवेट हाथों में देने से एक ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उसमें मिल पाएगा। तो एक एक उसका लॉजिक ये भी है प्राइवेटाइजेशन का। तो खैर, वो दूसरी चीज है। तो ये चीजें हो रही है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ और बढ़ रही है। तीसरी चीज जो एक बार इस बार एक आई है वो है कि आपका डीजल और पेट्रोल, ये कमोबेश हर आदमी से जुड़ा हुआ चीज है। तो डीजल और पेट्रोल पे थोड़ी सी महंगाई की मार पड़ेगी, करीब 2-2.5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 4 रुपए के आसपास डीजल पे सेस लगेगा। ये जो सेस लगाया गया है
ये एग्रीकल्चर सेस है, यानी इस पैसे से जो कमाई होगी सरकार को वो पैसा खर्च किया जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, कृषि सुधार पे। जैसे कृषि सुधार का मतलब ये है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारा जो जमीन है वो भगवान इंद्र के भरोसे वहां पे खेती होती है, बारिश हुआ तो खेती होगी और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। तो वहां पे हम सिंचाई का साधन कैसे पहुंचा सकते हैं नहर के लिए, या वहां पे जो है सरकारी उपक्रम के द्वारा ट्यूबवेल कराया जाए, या जिस भी तरह से उस जमीन को सिंचित जमीन के दायरे में लेकर के आना है, या फिर सॉयल जो वहां की मिट्टी है तो उसका हेल्थ कार्ड रिपोर्ट चाहिए कि वहां की मिट्टी उपजाऊ है नहीं है कैसा है, तो इन तमाम चीजों पर खर्च किया जाएगा, इससे जो कमाई होगी जिससे कृषि का विकास हो। तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है कि मोदी सरकार कृषि पे ध्यान दे रही है, क्योंकि कृषि एक ऐसा सेक्टर है। ध्यान दीजिए, कोरोना के टाइम में जब सारी सारे सेक्टर्स की जीडीपी नीचे लगातार चलती जा रही थी, एकमात्र कृषि सेक्टर था जो पॉजिटिव में था, 3.5 के आसपास इसकी जीडीपी मेंटेन रही है, और इसमें क्रेडिट किसी सरकार को नहीं जाता है, क्योंकि मोदी सरकार ने भले ही आत्मनिर्भर भारत का मैसेज दिया इस कोरोना के टाइम में, लेकिन हमारा जो किसान था वो शुरू से ही आत्मनिर्भर था, वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं था, और यही कारण था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, हर सेक्टर की माइनस चली गई, लेकिन हमारा जो देश का एग्रीकल्चर है उसका जो जीडीपी में योगदान था वो फिर भी प्लस में रहा, 3.5%, 3.5% पॉजिटिव में रहा, तो बहुत अच्छा संदेश था। तो इसलिए कृषि पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत की जीडीपी जो हम लोग कह रहे हैं कि 2021-22 में 11% की रफ्तार से बढ़ना होगा, अगर 5 ट्रिलियन के टारगेट को 2025-26 तक छूना है तो 11% का रफ्तार बिना कृषि को साथ लिए हुए हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए ये बेहद सराहनीय कदम है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा लॉन्ग टर्म एजेंडा चल रहा है जिसका तात्कालिक प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बेहद सराहनीय है। आगे चल के देश को इससे बहुत फायदा है, इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है, और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, इकोनॉमी को दुरुस्त किया जा सके और उसको दौड़ाया जा सके उस रफ्तार से कि जहां पे हमारा जो टारगेट था 25-26 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंचने का, उसको इस आपदा के बाद भी हम लोग अचीव कर ले उसी टाइम पीरियड में। तो हर वो सरकार जी जान से कोशिश कर रही है, तो इसलिए भरोसा रखिए, और जो राजनीतिक टीका टिप्पणी है उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ तभी कर पाएगी जब हम लोग सपोर्ट करें। हाँ, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आज की जो राजनीति है वो बिल्कुल बदल चुकी है, इसमें ट्रेंड ये है कि सरकार का विरोध करना है, हर बात के लिए विरोध करना, इसी तरह सरकार का विरोध करते रहना। हाँ, मतलब वो अच्छा करे बुरा करे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस विरोध। हाँ, विरोध करना है, और स्थिति तो बहुत विकट है, तो इसलिए टीका टिप्पणी पे ध्यान मत दीजिए। और अगला जो वीडियो हम लोग डालेंगे वो सिर्फ पॉलिटिकल टीका टिप्पणी पे ही होगा, जो बजट को लेके जो कुछ भी कहा गया है, जिन जिन ने कहा है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें होंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप बजट का फिर भी एनालिसिस करना चाहते हैं अच्छा या बुरा के तौर पे, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आज के दिन एक दिन के अंदर सेंसेक्स भारत का 2300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़ोतरी पे है। एक दिन में बजट में, सॉरी सेंसेक्स में 2300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल आया है, और अपने आप में ये एक इंडिकेशन है बताने के लिए आपको, हम सबको, और साथ साथ उनको भी जो इस बजट को देश विरोधी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, जनमानस के विरुद्ध बता रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि 2300 पॉइंट सेंसेक्स में एक दिन में उछाल आता है, इसका मतलब है कि शेयर बाजार जो है वो इस बजट को लेके गदगद है, वहां बैठे हुए लोग फूले नहीं समा रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बजट जो है जनमानस को सम्मान देने वाला होगा, जनमानस के लिए ही होगा, भारत के लिए होगा, भारत के भविष्य के लिए होगा, तो कमोबेश बजट उसी तरह का पेश किया गया है। कुछ परेशानियां हैं, कहां नहीं होती है, हर जगह होती है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगले वीडियो में फिर हम लोग जुड़ेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव हो या कोई कुछ पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो स्वागत है।
उस चीज का इंतजार रहेगा। और प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और अगला वीडियो का वेट कीजिएगा, और दो वीडियो और है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बजट से ही संबंधित वीडियो है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।